YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दूं। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, आज नीदरलैंड के पीएम के साथ उनकी बैठक होगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और साथ ही वहां पर नीदरलैंड के पीएम के साथ उनकी बैठक होगी। बैठक में कई एमओयू भी साइन हो सकते हैं। तो हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ आज दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि वहां पर नीदरलैंड के पीएम के साथ उनकी मुलाकात होगी और बैठक वहां पर दिल्ली में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और नीदरलैंड के पीएम की रहेगी। साथ ही आपको बता दें कई एमओयू भी यहां पर साइन होंगे। तो दिल्ली दौरे पर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ आज रहेंगे और साथ ही आपको बता दें यहां पर नीदरलैंड के पीएम भी पहुंचने वाले हैं। नीदरलैंड के पीएम के साथ दिल्ली में मुलाकात करेंगे, दिल्ली में मौजूद रहेंगे और बैठक यहां पर दोनों की होने वाली है। साथ ही कई एमओयू भी साइन हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कृषि मंत्री ओपी धनखड़ आज दिल्ली में रहेंगे, नीदरलैंड के पीएम के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे, वहां पर दोनों की मुलाकात होगी, बैठक होगी, साथ ही कई एमओयू भी साइन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, पंचकूला की बात करेंगे जहां से इस वक्त की बड़ी खबर है, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या का यह मामला है। मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। साथ ही आपको बता दें कि सुनवाई जारी रहेगी और राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। साथ ही अन्य आरोपी व्यक्तिगत रूप से यहां पर पेश होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें खट्टा सिंह की गवाही को लेकर क्रॉस एग्जामिनेशन यहां पर जारी रहेगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पंचकूला से, जहां पर डेरा प्रमुख राम रहीम पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या का यह मामला है, जिसे लेकर मामले की सुनवाई आज भी जारी रहेगी और खट्टा सिंह की गवाही को लेकर क्रॉस एग्जामिनेशन आज भी जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं नए खुलासे हो सकते हैं। खट्टा सिंह ने जो गवाही दी थी उसे लेकर क्रॉस एग्जामिनेशन भी यहां पे होगा और साथ ही पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में यह सुनवाई होने जा रही है और पहले भी सुनवाई हो रही है, जिसके चलते अब सुनवाई जारी आज भी रहेगी और राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, क्योंकि वो रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। 20 साल की सजा राम रहीम काट रहे हैं और इसी के चलते एक और हत्या का मामला राम रहीम पर दर्ज है, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला, जिसे लेकर आज सुनवाई होगी और राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर पेश होंगे। साथ ही आपको बता दें खट्टा सिंह की गवाही, राम रहीम के ड्राइवर जो है खट्टा सिंह, उनकी गवाही पहले हो चुकी है, जिसे लेकर क्रॉस एग्जामिनेशन आज भी जारी रहेगा। तो पंचकूला से बड़ी खबर है, जहां पर मामले की सुनवाई आज होने जा रही है। डेरा प्रमुख राम रहीम पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का जो मामला है उसे लेकर सुनवाई होगी और डेरा प्रमुख राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह की गवाही को लेकर भी यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन जारी रहेगा। जानने की कोशिश की जाएगी कि खट्टा सिंह ने जो गवाही दी उसके सभी पहलुओं को भी वहां पर जांच की जाएगी। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम यहां पर पेश होंगे और मामले में सुनवाई आज भी जारी रहेगी।